मेरे वीजा से करके बिल्कुल ना, अच्छा ऐसे करके जैसे अच्छा कि मैंने कोई जैसे फेक बोलता है कि आप इंडिया से आते हो, मतलब जैसे कि वो अमेरिका में रह रहा हो, अमेरिकन अच्छा सिटीजन हो, चुप हो गया, मतलब मेरा पासपोर्ट दे दे, ऐसे बोला मैंने, मतलब मेरा पासपोर्ट दे, अच्छा कह रहा यूक्रेन तो तुम जाओगे पर यूक्रेन का वीजा कहाँ है, कि है यूक्रेन का वीजा, ई वीजा, आप मेरा पासपोर्ट चेक करो, मैं आपकी कंट्री घूमने के लिए आया हूँ, पिछले 2 साल से कोई भी कंट्री ऐसी ओपन नहीं है कि जहां, तो कह रहा ओके, आई मीन क्या, माई फादर ऑल्सो इज पुलिस। जब मैंने उसे ये चीज कही कि मेरे पापा पुलिस में, वो हेलो इतना फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई अभी मेरे साथ आर्यन भाई हैं, ये अभी रिसेंटली पहुंचे हैं, मतलब आज जैसे 20 है तो 18 को पहुंचे हो आप, हाँ, मैं 18 की रात को 18 को पहुंचा पहुंचे था हो, भाई। पहुंचे हैं अल्बानिया। पहले ये सर्बिया गए, अबू धाबी से सर्बिया गए, सर्बिया से फिर अल्बानिया आए। तो पूरा प्रोसेस भाई, ये वीडियो आपको देखनी इसीलिए चाहिए क्योंकि इनके साथ मिस हैपनिंग हो गई थी, इनकी फ्लाइट मिस हो गई थी अबू धाबी से। तो उसके बाद इनसे फिर हमारी काफ़ी बातचीत हुई, तो फिर फाइनली ये पहुंच गए। बट पहुंचे कैसे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था इनके लिए काफ़ी, तो वो पूरा आपको एक बार समझना चाहिए जो भी ऐसे ट्रैवल करना चाहता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई उनके लिए। तो अरिन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, और प्लीज़ बताइए कि कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी और क्या क्या इशूज़ फेस किए, क्योंकि लोगों को जरूर जाननी चाहिए ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून, इंडिया में तो शायद दोपहर हो रही होगी अभी। ये बिल्कुल यस। जर्नी स्टार्ट हुई थी न्यू दिल्ली से अबू धाबी वाई, लिटरली डायरेक्टली क्वेश्चन को पुट अप करते हैं, व्हाई यू कम टू सर्बिया। अच्छा, बंदा होपलेस हो जाएगा बिल्कुल, एकदम अच्छे तरीके से जवाब भी नहीं दे पाएगा कि भाई एकदम क्या पूछ। डायरेक्टली एक बंदा कह रहा ट्रेवलिंग, तो अच्छा हाउ मेनी हैव फ्रॉम योर मनी, तो ये नहीं पता कि बता दे कि आई हैव $700 या आई हैव हाँ, 1000 यूएस वो डॉलर, चुप खड़ा हुआ। पैसे निकाल के दिरहम अच्छा काउंटिंग, गिनवा रहा है, उन्हें दिरहम पर अच्छा दिरम दिरम की नान के सामने। ओके तो ऐसे देखी मैंने, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि मेरी इंडिया जर्नी स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, मैंने जी आपसे जी पूछा भी था कि बिल्कुल बिल्कुल भाई ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखता रहता था, हाँ जी हाँ जी थोड़ी सी मुझे हेल्प वीडियोस देखने से, और आपने कहा कि नहीं आएगा, पीजीआई के साथ जा सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में मैं लैंड हुआ, अभी मेरी फ्लाइट कैसे मिस हुई, भाई, मुझे पहले अबू धाबी पहले एक एयरपोर्ट चीज़ का बताओ, सिस्टम ही आप नहीं। एक चीज़ बताओ पहले मुझे, जब आपने दिल्ली से बोर्डिंग करी ठीक है, तो वहाँ पे एयरलाइंस कौन सी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उन्होंने आपसे कुछ नहीं बोला कि आप अल्बानिया जा रहे हो? मैं बताता हूँ, मेरी एयरलाइन थी इतिहाद एयरवेज दिल्ली से, वो 15 की सुबह 5 बजे के आसपास की थी, तो मैंने पहले एयरपोर्ट में एंट्री की 8 घंटे पहले, क्योंकि रैपिड पीसीआर टेस्ट वगैरह सब कुछ होना था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना ट्रिकी अपने बिहेवियर में थोड़ा ट्रिकी खेल, मैं ट्रिकी खेल गया उनके साथ ना, मैंने नहीं बताया नहीं जा रहा, अच्छा मैं मुझे पता था कि मैंने इंडिया से निकलना ही ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल क्योंकि आपकी बिल्कुल, वीडियोस ये मैंने देखी अपनी इसके बारे में अपनी बात भी हुई थी पहले। हाँ हाँ बात बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मैंने मेरे से पूछा इतिहाद जो स्टाफ है, मैं अंदर गया, मैंने कहा कि मुझे रैपिड पीसीआर टेस्ट कितने घंटे पहले, कि आप सर करा सकते हो जाके, आप करा लो। मैंने कहा ट्रांजिट है अबू धाबी में 6 आवर का, तो उस केस में भी मुझे आरटीपीसीआर चाहिए, कि हाँ सर आपको बिल्कुल चाहिए। तो मैंने आरटीपीसीआर कराया, मैं अंदर आया, तो मेरे से जो उनका सीनियर था, मैं इतिहास उसका किया, तो जैसे वो मैं एज अ फ्रेंडली बात कर रहा था बिल्कुल, कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अबू धाबी। अच्छा पर्पस, मैंने कहा लुक माय पासपोर्ट, आई एम अ ट्रेवलर, तो कह रहा हो वेरी गुड, आपने कितनी कंट्री ट्रेवल की है, मैंने कहा 10-12 कंट्री ट्रेवलिंग कर ली। कि अच्छा कब आओगे, मैंने कहा मेरी वापस फ्लाइट है 27 नवंबर की। ओके, डू यू हैव आरटीपीसीआर और आपका कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, मन के यस आई हैव ऑल इंश्योरेंस, मन के यस, क्योंकि मैंने दो दो इंश्योरेंस लिया, एक तो मैंने स्पेशल दुबई का लिया हुआ था, एक मैंने स्पेशल यूरोप का लिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कि मैंने 60-70 हजार अपनी फ्लाइट्स में लगा दिया पैसा, तो अपना 2-4 हजार का मैं क्या मुंह देखू, मन के अच्छी तरीके से पूरा प्रिपेयर होके जाता हूँ हाँ जी हाँ जी कि कहीं सही भी गलती ना हो। बिल्कुल फिर बाद उन्होंने क्वेश्चन पुट अप ज्यादा नहीं किया, मैं इंडिया से, मेरे से पूछता है इंडियन इमिग्रेशन वेयर आर यू गोइंग, मैंने कहा दुबई, दुबई का मैंने उसे वीजा, मैंने अल्बानिया इमिग्रेशन पे भी ठीक है दुबई जा रहा हूँ, दुबई का ठीक है उसने पासपोर्ट को
तो रिटर्न टिकट मांगा ना कुछ मांगा, बस वीजा देखा उसने स्टैम्प लगाई मुझे जाने दिया। तो यहाँ पे आपने रैपिड करवाया कि नहीं करवाया रैपिड टेस्ट? हाँ ये रैपिड मैंडेटरी है, अगर आप दुबई या आप अबू धाबी, मतलब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए चाहिए, और दूसरा रैपिड एंटीपीसीआर टेस्ट भी चाहिए, क्योंकि आपका वहां लेओवर है कुछ भी है लेकिन आप लैंड कर रहे हो वहां पर। नहीं भाई देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो ना सिर्फ, तो ट्रांजिट में नहीं चाहिए, बाकी आपने अगर आपकी टाइम है तो नहीं चाहिए, क्योंकि सेम हाँ पीएनआर एयरलाइन है वो, हाँ कनेक्ट करके वो आपको वहीं पर छोड़ाते हैं, हाँ 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 और अगर आपका सेम है तो आपको एग्जिट करके एग्जिट करके रिटर्न फिर टिकट लेना। लेनी है। हाँ, उस केस में चाहिए, उस केस में चाहिए, उस केस में चाहिए। यस पता इसीलिए मेरी फ्लाइट, यस यस यस। क्योंकि मैंने करी है, मैंने अगर मेरा लेवर भी है तो वो तो सेम पीएनआर पे है। हाँ, तो फिर आगे प्रॉब्लम क्या हुई, अबू धाबी में क्या प्रॉब्लम हुई ये बताइए। एयरपोर्ट पे गया, जाने के बाद इमिग्रेशन तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने पूछा भी ट्रांजिट के लिए, तो किसी ने मुझे बता दिया, एक अफ्रीकन था वो, उसने बता दिया कि ट्रांजिट ऐसे है, मैं जाके बैठ गया अच्छा ट्रांजिट, मुझे क्या अच्छा पता कि एग्जिट। तो हाँ मैंने पूछा कि मैंने कि तिराना के लिए कहाँ से मिलेगी, कि गेट नंबर 17 पे मैं चला जाकर आराम से बैठा हुआ इतिहास के, मैंने कि अगर मुझे तिराना जाना कि हाँ यहीं बैठ जाओ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि बोर्डिंग पास भी चाहिए, क्यों, क्योंकि विज एयर वर्चुअल बोर्डिंग पास आपकी मेल पे भेज देती है, बिल्कुल 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 और मैंने क्या स्कैन कराऊंगा और चला जाऊंगा, बोर्डिंग पास की तो कोई नीड ही नहीं है, इमिग्रेशन तो मुझे बाहर नहीं, 1 घंटे का ले हुआ है, फ्री ट्रांजिट है इंडियन सिटीजन के लिए। मैं 1 घंटे पहले बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी, मैं गया, मैंने अपना पासपोर्ट दिया, मेरे से पूछती है वेर इज योर बोर्डिंग पास, मैंने कहा आई हैव इन माय सेट, तो कहा कि नहीं, हाउ यू केम टू इनसाइड, आई एम कम फ्रॉम उसको इंडिया, लगा कि बाहर फॉर से आ गया, ट्रांजिट ये अबू धाबी से आया, उसको ये लगा। फॉर टू सिक्योरिटी, और आपको सिक्योरिटी चेक करा के बोर्डिंग पास लेके वापस आना होगा, मे बी एक रीजन हो सकता है, या तो हम इंडियन सिटीजन हैं इस वजह से थोड़ा सा कि भाई ये जाएगा वापस नहीं आएगा, यस यस, मेंटेलिटी ये लोगों, यही है भाई, यही है, यही बनी हुई है। आपको दिखाता हूँ, मेरे फ्रेंड है तो वो स्पेन से आया है, उसके कोई नीड ही नहीं चाहिए बोर्डिंग पास की, उसका उसी से काम हो गया वर्चुअल बोर्डिंग पास से, ये रहा उसका पासपोर्ट, अच्छा, उसका मतलब वर्चुअल है, बिल्कुल वर्चुअल है, हाँ, उसको बोर्डिंग पास उसने लेने क्या की है जरूरत पता है, नहीं पड़ी। फिर स्टैंप लो, फिर अंदर आओ, फिर बोर्डिंग पास लो, पास वगैरह कुछ नहीं, बस फोन में दिखाया, पासपोर्ट स्कैन किया, उसका काम हो अपना सीधा गया, फ्लाइट में बट बैठ इंडियन इंडियन गया। बाहर जाओ, बोर्डिंग पास लेके आओ। हमारी जैसे बस मैं क्या बताऊं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो हमारी खुद की गलती की वजह से है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है, इतने मतलब अनएजुकेटेड पीपल, इतने उन्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, मेरा बैड एक्सपीरियंस ही रहा, मुझे नहीं पता क्यों रहा, या इमिग्रेशन ज्यादा माइग्रेट ज्यादा हो रहे हैं, बंदे जाके बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप में एंट्री मार रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। सी प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम कि इतनी प्रॉब्लम कभी मैंने फेस की होगी अपनी लाइफ में, सर आई एम लाइक योर सन, मैंने कहा कि मैं यार तेरे बेटे के जैसा हूँ, देख मुझे कम से कम, मैं ट्रेवलर हूँ यार, उसने कहा व्हाट, आई एम लाइक योर सन, यू अच्छा अंडरस्टैंड माय सिचुएशन राइट नाउ, थोड़ा काउंटिंग हुआ, उसने कहा वेट, मैंने कहा अभी मुझे जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं लास्ट बंदा था, बोल देगा कि भाई बोर्ड हो गई सारी, हाँ तो मैंने कहा ठीक ओके ओके है बहस ठीक है ठीक है ठीक करता रहा मतलब पूरी में, उसने फिर मेरा बोर्डिंग पास बनाया, जब मेरा बोर्डिंग पास आया मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, अब तो ये नहीं रोक सकता, ये बोर्डिंग पास मिल गया, अच्छा इमिग्रेशन पे गया, इमिग्रेशन पे इमिग्रेशन ऑफिसर था, मैंने कहा हेलो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, अच्छा ठीक। तो उसने चाइना स्टैम्प दी, मैं अंदर गया आराम से बैठा, थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर घबराहट स्टार्ट हुई बेलग्रेड की, पता नहीं क्या सीन होगा। अच्छा मैं इस चीज इस टॉपिक को 1 सेकंड रोकने के बाद मैं आपसे बताता हूँ 15 तारीख वाला सीन क्या हुआ था, तो जब बीजेपी में एयरलाइन चलेगी तो मैंने उस बंदे, इंडियन बंदे थे दोनों, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अंडरस्टैंड हिंदी, क्या हाँ हिंदी हिंदी बोलते हैं, मैंने कहा भाई कम से कम थोड़ा सा यार एहसास करो, दूसरे का पैसा बर्बाद हो रहा है, तुम तो यहाँ बैठे तुमने गर्दन हिला दी ऐसे करके कि नहीं जाने देंगे, या ये नहीं या वो कर लो ये कर लो, तो मेरे से कह रहा अच्छा, मैंने कहा देख मेरा पासपोर्ट चेक कर, ऐसे करके मैंने पासपोर्ट दिया, मैंने कहा ले मेरा
मेरा पासपोर्ट चेक कर। मैंने कहा भाई मेरा पासपोर्ट देता है, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं 10-12 घंटे ट्रैवल हो चुका हूँ। तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर का भी बाप बना हुआ, वो ऐसा मेरा पासपोर्ट दे रहा, ऐसा करके मेरा पासपोर्ट ले, ऐसे अच्छा ऐसे देख रहा, ऐसे देख रहा, ऐसे वीजा देख रहा मेरा, वीजा ऐसे करके बिल्कुल ना, ऐसे करके अच्छा जैसे कि मैंने कोई फेक वीजा लगा रखे हैं, अच्छा ऐसे करके मतलब 10-10 बार ऐसे ऐसे करके देख रहा। मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो ऐसे, अच्छा मैंने लिटरली ऐसे बोल दिया, ठीक है ऐसे क्या देख रहे हो आप, कुछ नहीं। मैंने कहा कि क्यों, मैंने नकली वीजा लगा के आया हूँ क्या, ऐसे करके देख रहे हो। मेरे से बोलता है कि आप इंडिया से आते हो, मतलब जैसे कि वो अमेरिका में रह रहा हो, अमेरिकन अच्छा सिटीजन हो, अच्छा कि आप इंडिया से आते हो तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इमिग्रेशन आपको स्टैम्प नहीं देती। हाँ मैंने गिव मी माय पासपोर्ट आई शो यू। हाँ मैं फुल गुस्सा होके बोला ऐसे, मैंने निकाला, मैंने कहा ये नहीं मेरी स्टैम्प, मैंने ऐसे करके दिखाया, देखिए स्टैम्प मेरी। कह रहे चाइना गए हो आप, मैंने कहा चाइना गया हूँ, क्योंकि चाइना में एक वो है, अगर चाइना का वीजा आपके पास होता है ना तो वो ऐसे करके ऐसे राइट का निशान लगाते हैं ऐसे पेंसिल से, ऐसे करके ब्लैक ऐसे, ऐसे कर देते हैं वो, कि मतलब ओके हो गया, चेक कर देते हैं ऐसे। मेरे से कहता है कि आप चाइना गए हो, मुझे लगता है कि ये चाइना का आपको एंट्री नहीं मिली। मैंने कहा भाई यार पेज पलट, इस पर स्टैम्प देख ले, 7 फरवरी की एंट्री है और 12 फरवरी की एग्जिट है। अच्छा मैंने ऐसे बोल दिया डिलीट करके, अच्छा चुप हो गया। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट दे दे, ऐसे बोला नहीं, मतलब मेरा पासपोर्ट दे, हाँ पासपोर्ट ले लिया। फिर 17 की मैंने ये जो फ्लाइट कराई थी अपने इसके बेलग्रेड से रशिया की, तो मैं जब बोर्डिंग पे जाने लगा वही बंदा मुझे मिला, मेरे से कह रहा कि कैसे। मैंने कहा यार इतना ट्रबल मैं तो लाइफ में कभी सोचा ही नहीं। कह रहा क्या करें भाई, इन लोगों ने इतना बुरा हाल किया हुआ है, हमें जवाब देना भारी करता है। मैंने कहा कैसे, वहां से रिपोर्ट करते हैं फिर हम यहाँ से कहाँ सेंड करें भाई, कौन सी एयरलाइन के साथ मर्ज करके भेजे। इतिहाद को ही फेस करना होता है क्योंकि विज एयरवाइज इतिहाद के साथ ही कनेक्ट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये इशू है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ फिर मैं जो बैठा, अपने डिपोर्टर होते हैं ना बंदे, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है जर्मन ट्रैवलर्स को, ये सच्चाई है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जर्मन ट्रैवलर्स 4 बंदे मुझे अबू धाबी एयरपोर्ट पे मिले रात के टाइम, जब मैं वेट कर रहा था फ्लाइट का नेक्स्ट डे के लिए, तो मुझे पीसीआर टेस्ट कराना था। मैंने कहा पीसीआर टेस्ट कहाँ होगा, टैक्सी वालों ने मुझे थोड़ा सा पागल बनाया पैसे लेने के लिए, नाम तो लूंगा नहीं कौन सी कंट्री के थे, तो कि हाँ यहाँ होगा वहां होगा, सोच रहे मेरे ऐसे बर्बाद कर दी, कुछ नहीं हुआ। फिर एक अरेबिक लड़की मुझे मिली, उसने कहा कि वर्ड स्ट्रॉन्ग दे दियो। मैंने कहा मैम आई नीड ए आरटीपीसीआर टेस्ट अर्जेंटली, मे बी 2 आवर्स 1 आवर्स। उसने मेरा नंबर लिया, मुझे व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड करी कि आप यहाँ चले जाओ, 24/7 ये खुला हुआ है, अच्छा, और ये आपसे करीब करीब 80 यूरो 80-90 यूरो के आसपास लेंगे, अराउंड मतलब 6-7 हजार के आसपास ये आपसे लेंगे पैसे, पर आपको दे देंगे 1 घंटे में। ओके मैं एयरपोर्ट, मैंने कहा एयरपोर्ट के क्लोज ही है, मैं पहले एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट पर थोड़ा बैठूंगा, थोड़ा सा बैठ के मैंने कहा क्या करूं, मैं कहा बैठे मत, फोन चार्ज कर ले, फोन चार्ज किया। फिर मैं वहां गए, वहां नहीं मैं बाहर ढूंढ रहा था, एक अरबी प्योर अरबी आता है, मैं ऐसे घूम रहा था। मैंने कहा सर एक्सक्यूज मी आई नीड टू गो देयर आई फाइंड अ टैक्सी। वो सरदार जी और 3 बंदे और वो भी वापिस, वो ऐसे मेरे सामने से निकलते हुए जा रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं ऐसे करके। मैंने कहा ये मुझे भी मरवाएगा। अच्छा मैंने टोटली इग्नोर करा, मैं फोन में अपना लगा हुआ था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे देखा, ऐसे करके देख रहा मुझे, वो मैं नॉर्मल लगा हुआ। इमिग्रेशन ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि मेरे पास आए या पूछे, मैं बैठा रहा। बैठे होने के बाद आराम से मेरी फ्लाइट का टाइम हुआ, होने के बाद एक इंडियन इंडियन ही भाई थे वो मेरे पास खुद आए, उन्होंने कहा हेलो। मैंने कहा हेलो वेयर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या आई एम आल्सो फ्रॉम इंडिया। इनके विच पार्ट इन इंडिया, कि दिल्ली। मैं कहा सेम हियर दिल्ली। मैं कहा दिल्ली में कहां से, थोड़ा अपनापन हो जाता है। हां सही बात है। तो कह रहे मैं GK2 से हूं। मैंने कहा यार मैं नियर बाय दिलशाद गार्डन से हूं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो कह रहे यार वेरी गुड वेरी गुड, कहां जा रहे हो। मैं अल्बानिया की, मैं अल्बानिया जा रहा हूं। मैं कहा चलो ट्रैवलिंग तो कर लेते हैं साथ में। अल्बानिया का कैसा था इमिग्रेशन? अल्बानिया के इमिग्रेशन ऐसा था कि मैंने थोड़ा सा सुना भी था देखा भी था कि भाई थोड़ा इजी है सर्बिया के हिसाब से, लेकिन मैंने कहा कि अब इजी कहीं भी नहीं है, आपको हमेशा प्रिपेयर होके रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई क्वेश्चन पुट अप करे जवाब दो, खट से जवाब दो। तो वो बंदा मेरे साथ, उसने कहा कि ठीक है दोनों साथ में ट्रेवलिंग करते हैं। इसमें मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। तो इमिग्रेशन बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, प्लेन से निकलते ही बिल्कुल 10 कदम दूर चलती है अंदर सामने इमिग्रेशन पहुंचे। उसने पासपोर्ट दिया, उससे पूछा होटल रिजर्वेशन, कहाँ से आ रहे हो। वो सर्बिया 30 दिन रुक के आया था। उसने देखा ऐसे करके सारी चीज उसकी, ओके एंट्री दे दी। अच्छा एक चीज और है, ये स्टैम्प नहीं मारते एंट्री की, उसका भी रीजन बताऊंगा मैं क्यों नहीं मारते, क्योंकि मैंने सोचा ये बहुत।
एक घंटा कम से कम बैठ के सोचा, फिर आया मेरा नंबर, वो थोड़ा गुस्सेल था इमिग्रेशन ऑफिसर, मेरा पासपोर्ट दिख गया था कि व्हाई यू कम टू अल्बानिया, मैंने कहा ट्रैवलिंग, गो बैक इंडिया, मैंने कहा व्हाई, अच्छा मैंने कहा आई एम गोइंग बैक टू इंडिया, वेयर योर होटल बुकिंग, मैंने कहा आई हैव होटल बुकिंग, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ये रही मेरी होटल बुकिंग, ये रहा मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस, ये रहा मेरा कोविड सर्टिफिकेट वैक्सीन का, और जी ये रही मेरी रिटर्न टिकट, ये रही सारी चीज, मैंने सारी चीज ली, नो गो बैक इंडिया, अच्छा सर आई एम अ ट्रैवलर, यू कैन चेक माय पासपोर्ट, आई एम गोइंग टू बैक इंडिया, आई स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन माय ट्रिप, तो अंदर गया रूम में वो दो, वो इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया कि बराबर में दो इंडियन थे, पता नहीं साउथ के थे या कोलकाता के थे, कहाँ के थे, वो कह रहे क्यों आए हो यहाँ अल्बानिया, मैं सुन रहा था बराबर में अल्बानिया में घूमने के लिए आऊं, अच्छा सर आई एम गोइंग टू यूक्रेन, यूक्रेन गोइंग टू, कह रहा यूक्रेन तो तुम जाओगे पर यूक्रेन का वीजा कहाँ है, यूक्रेन का वीजा, ई वीजा, यूक्रेन का ई वीजा, क्या करने जाओगे यूक्रेन, तुम यहाँ क्या करने आयो, सर आई हैव वेस्ट इंडीज वीजा ऑल्सो, घुमा रहे उसे, मैंने इग्नोर किया, मैं वहां गया, मैंने कहा सर मैं एक ट्रेवलर हूँ, आप मेरा पासपोर्ट चेक करो, मैं आपकी कंट्री घूमने के लिए आया हूँ, पिछले दो साल से कोई भी कंट्री ऐसी ओपन नहीं है कि जहां मैं ट्रेवलिंग कर सकूं, अल्बानिया और सर्बिया ओपन है, अल्बानिया चीप है सर्बिया के हिसाब से, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ट्रिप ट्रेवलिंग कर लेता हूँ, दो साल से थोड़ा फर्स्ट एड हो चुका हूँ घर में रह रहे के, इंडिया में घूम घूम के, तो उसने मुझे वो कहा रूम में लेके गया दूसरा पुलिस ऑफिसर था, मैंने कहा सर यू विल चेक ईच एंड एवरीथिंग, अच्छा जो रिटर्न टिकट था उसकी जो कॉपी थी वो पता नहीं मेरे बैग में कहाँ रखी हुई थी, कह रहा रिटर्न टिकट कहाँ, हाँ मैंने मैंने फोन ऑन करके दिखा दिया, मैंने कहा ये मेरी रिटर्न टिकट, उसने ऐसे करके देख ली, कह रहा तुम क्या करते हो इंडिया में, व्हाट्स योर प्रोफेशन इन इंडिया, मैंने कहा आई हैव अ बिजनेस कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, तो कह रहा ओके, मैंने कहा माय फादर आल्सो इज पुलिस, जब मैंने उसे ये चीज कही कि मेरे पापा पुलिस में, वो इतना इंप्रेस हुआ, उसने कहा योर फादर इज पुलिस, ओके कम, अच्छा गया, जाने के बाद उसने मेरा पासपोर्ट लिया, दो इमिग्रेशन लेडी थी उनसे बात कर रहा कि इसके फादर, अच्छा मैंने ना एक मेरी ये थोड़ी सी चैन वगैरह मेरी थोड़ी मोटी वाली है इसकी सोने की, तो उसने मेरा ऐसा करके बैग था तो ऐसा करके दिख रही थी, तो उससे बात कर रहा कि इसके फादर पुलिस में है और लग तो अच्छा लड़का रहा है ये, तो उसने लड़की ने कहा कि इसकी देख चैन वगैरह भी है तो अच्छा लग खासा लड़का है, कोई इशू नहीं, मतलब आप उसमें हंस के बात कर रहे हैं, तो उसने कहा ओके वेलकम टू अल्बानिया, मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, तो जब मैं बाहर निकला, निकलने के बाद थोड़ा सुकून मिला, टैक्सी से ले यार, ओवरऑल देखे तो यार आपको काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई जहाँ पे नहीं आनी चाहिए, राइट, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सीखने को मिला कुछ मुझे इससे, फिर उसके बाद मैं घर आके सोचा, मैंने कहा पासपोर्ट देखता हूँ स्टैम्प मारी नहीं मारी इसमें, मैंने देखा स्टैम्प थी नहीं कहीं पासपोर्ट पे, फिर मैंने दिमाग से सोचा कि ये पासपोर्ट पे स्टैम्प इसलिए नहीं मारते, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा इलीगली इमिग्रेंट करता है यूरोप में, ग्रीस चला जाता है कुछ चला जाता है, तो अगर पासपोर्ट पे स्टैंप होगी अल्बानिया की तो उनकी अथॉरिटी को पता लग जाएगा कि इलीगल इमिग्रेंट अल्बानिया से आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर वहां की गवर्नमेंट इसकी गवर्नमेंट को ब्लेम करेगी कि तुमने वीजा फ्री किया हुआ है, तुम्हारे यहाँ से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तुम इसके रिस्पॉन्सिबल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ तो इसलिए स्टैंप नहीं देते, और दूसरी चीज ये है ये एग्जिट स्टैंप देंगे, क्यों पता ही नहीं बंदा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, अगर इलीगल इमिग्रेंट होगा तो इनके ऊपर कोई ज्यादा वो नहीं आएगा कि भाई बंदा यहाँ से गया तुम्हारे यहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि सर्बिया को बोलते हैं कि भाई सर्बिया तुम्हारे यहाँ से बहुत सारे इमिग्रेंट आ रहे हैं इलीगली हमारी कंट्री में, क्योंकि सर्बिया एंट्री देता है, एंट्री भी देता है एग्जिट भी देता है, यस, तो थोड़ा सा इसमें मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम है 50% के आसपास, तो इसलिए थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हम अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहते, तो ये एंट्री स्टैम्प नहीं देते, ओके ओके एग्जिट स्टैम्प देंगे। चलिए ठीक है आर्यन भाई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने, बहुत सारी मेरे हिसाब से बहुत लोगों के काम आएगी, बाकी भाई इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और ट्रैवल स्मूथ हो जाए भाई, मेन पर्पस अपना यही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए अपने चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है आर्यन लाइफ। ओके तो भाई वहाँ पे भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अगर आपको भी ट्रैवलिंग की इन्फॉर्मेशन लेनी है इनके चैनल पे जाके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।